शुक्रिया आपका, मैं राहत नवाजी का शुक्रिया। मुझे यहाँ आने के बाद पता चलता है कि मैं अच्छा शायर हूँ। अच्छा 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 साहब, सुना कि अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे, भूल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। घुल के सारे सिपाही मोम, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अजय फयाज, मुझ में कितने राज हैं, मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, मुझ में कितने राज हैं, मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या, मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या। अच्छे लोगों, एक शेर पढ़ता हूं। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या, आजजी मिन्नत खुशामद इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या, आजजी मिन्नत खुशामद इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या। एक पत्थर है वो मेरी राह का, एक पत्थर है वो मेरी राह का, गर ना ठुकराऊं तो ठोकर खाऊं क्या। एक पत्थर है वो मेरी राह का, एक पत्थर है वो मेरी राह का, गर ना ठुकराऊं तो ठोकर खाऊं क्या। तेरे जलसे में तेरा परचम लिए, तेरे जलसे तेरा परचम लिए, सब आप वाकिफ हैं। जलसा चाहे पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, एक ही जैसी चीजें मैंने महसूस की। एक पत्थर है वो मेरी राह का, गर न ठुकराऊं तो ठोकर खाऊंगी। तेरे जलसे में तेरा परचम लिए, सैकड़ों लाशें भी हैं, गिनवाऊं क्या। तेरे जलसे में तेरा परचम, तेरे जलसे में तेरा परचम लिए, तेरे जलसे में तेरा परचम लिए, सैकड़ों लाशें भी है, गिनवाऊं क्या। और फिर जगाया तूने सोए शेर को, फिर जगाया तूने सोए शेर को, फिर वही लहजा दराजी, आऊं क्या। फिर जगाया तूने सोए शेर को। मुझे बताया था कि इसकी आज के इस मुशायरे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्क के लोग हैं। मैं इस ह्यूस्टन में, लाहौर से और कराची से दूर, दिल्ली और हैदराबाद से दूर, इस छोटे से हिंदुस्तान और छोटे से पाकिस्तान को सलाम अर्ज करता हूं, और दोनों के लिए एक ही आखिरी गज़ल पढ़ता हूं। पहले दो अज़कराओं के अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं होने दो,
जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, अगर खिलाफ होने दो, अगर खिलाफ होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, पूरा कुत्ता जलेगा। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। देखिए जरा सा बारीक शेर है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। देखिए ये मैं शेर जो आपको सुना रहा हूं ह्यूस्टन में, ये शेर मैं लाल किले में भी पढ़ता हूं, और वजीर आजम बैठे हुए होते हैं और उनके सामने मैं ये शेर पढ़ता हूं। मैं इसीलिए शायद मैं हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मरतबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमरीका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वह अफसर ने मुझे देख के, अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं क्या, हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है। उसने जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।